नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। बिल्किस बानो केस में दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, 21 जनवरी तक करना होगा सरेंडर। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार जलवा बिखेरेंगे 29 लड़ाकू विमान, महिला पायलट भी फ्लाई पास्ट का होंगी हिस्सा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सिर्फ निमंत्रण से नहीं मिलेगा प्रवेश, ट्रस्ट द्वारा जारी की गई एंट्री पास भी साथ रखना होगा अनिवार्य। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से दी जानकारी। किसान नेता राकेश टिकैत 21 जनवरी को बिहार के खगड़िया जिले में किसान जन आक्रोश सभा को संबोधित करेंगे। वहीं टिकैत के आगमन को देखते हुए नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने एक बार फिर राहत देने से इनकार कर दिया है और उनकी न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से ताजा जांच रिपोर्ट भी तलब की है। पंजाब का अग्निवीर जम्मू कश्मीर में हुआ बलिदान, सीएम भगवंत मान ने जताया दुख, बोले परिवार के साथ खड़ी है सरकार। राम मंदिर मामले पर अब हरियाणा कांग्रेस में भी शुरू हुआ कलह, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले भगवान राम से अलग नहीं है पार्टी, बुलावा आएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए देहरादून के व्यापारियों ने लिया फैसला, आज से 22 जनवरी तक दीपावली की तरह सजे दिखेंगे बाजार। गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर रांची पुलिस, रात में बढ़ाई गई गश्ती, सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है पूरे शहर की निगरानी। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की सुरक्षा को देखते हुए अयोध्या की सुरक्षा हुई कड़ी, परमाणु हमले से निपटने वाली टीम भी अयोध्या में है मौजूद, साथ ही एनडीआरएफ और सेना के वाहन भी लगा रहे हैं शहर में चक्कर। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी होंगे एसएसबी के नए महानिदेशक, सरकार ने जारी किया आदेश। स्कूली किताबों में इंडिया की जगह नहीं लिखा जाएगा भारत, केंद्र सरकार ने केरल सरकार की मांग को किया खारिज। भारत में कोरोना के JN1 वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1378, महाराष्ट्र में पाए गए सबसे अधिक मामले। 22 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी जाएंगे अयोध्या, बोले मेरे परिवार के लिए की गई विशेष विमान की व्यवस्था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति को लिखा पत्र, कहा भारत जैसे देश में इस नई प्रथा के लिए नहीं है कोई जगह। कान की सफाई को लेकर अक्सर लोग लापरवाही बरतते हैं जिससे कई समस्याएं पैदा हो रही है। अगर आप कान साफ करने के लिए माचिस की तिल्ली या कॉटन बर्ड्स जैसी चीजों का सहारा लेते हैं तो अभी सतर्क हो जाए, क्योंकि इससे कान साफ होने के बजाय और ज्यादा गंदे हो जाते हैं, साथ ही कम सुनाई देने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। अगर आप अपना कान साफ करना चाहते हैं तो इसके लिए सरसों तेल या बादाम का तेल इस्तेमाल कीजिए, इसे हल्का गुनगुना गर्म कर ले, इसके बाद इसे 10 मिनट के लिए अपने कानों में डालकर छोड़ दे, इससे आसानी से कान का कचरा मेल्ट होकर बाहर आ जाएगा। यूपी रोडवेज में निकली 1649 परिचालकों की भर्ती, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा योजना पोर्टल www.sevayojana.up.nic.in पर जाकर कर सकते हैं आवेदन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जहां वे कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में कारगर धान की नवीन किस्म संजीवनी से निर्मित 3 उत्पादों का भी लोकार्पण करेंगे। भोपाल से अयोध्या के लिए रवाना हुआ 5 लाख लड्डुओं से भरा ट्रक, सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बस रूटों को बंद करने पर फूटा हिमाचल की जनता का गुस्सा, कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, साथ ही 1 सप्ताह का दिया अल्टीमेटम। जम्मू कश्मीर के सांबा में मिली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 15 फीट गहरी संदिग्ध सुरंग, खोजी कुत्ते और ड्रोन से ली गई तलाशी, आसपास के इलाके में भी सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुकांत मजुमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज, कहा सर्वधर्म रैली के नाम पर बंगाल में दंगा कराना चाहती है ममता बनर्जी, वह राम नहीं बावर के लोगों के साथ है।
महाराष्ट्र के अटल सेतु पर सेल्फी लेने वाले लोगों पर प्रशासन हुई सख्त, कहा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है ब्रिज, मचाई हुड़दंग तो होगी सख्त कार्रवाई। गुजरात में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, बीजापुर से विधायक सीजे चावड़ा ने दिया इस्तीफा, भाजपा में शामिल होने को लेकर अटकलें हुई तेज। राजस्थान में 1455 करोड़ रुपए में बने चंबल रिवर फ्रंट में घोटाले का लगा आरोप, अब होगी जांच, पूर्व सीएम धारीवाल पर भजनलाल सरकार हुई सख्त। यह दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।